ये देखो कैमरे में कितना साफ दिख रहा है, और ऐसे में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। ऐसे में तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है। हेलो दोस्तों, तो आज मैं बताऊंगा आप कैसे आप अपने DSLR कैमरे को एक माइक्रोस्कोपिक कैमरा बना सकते हैं, जिससे कि आप माइक्रोस्कोपिक वीडियो शूट कर सकते हैं या फिर माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफी कर सकते हैं। आप जान के हैरान रह जाएंगे कि ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है और ये बहुत ही कारगर ट्रिक है। बिना किसी एक्स्ट्रा पैसे को खर्च किए, बस मुश्किल से 250 रुपये खर्च होंगे आपके, और आप इसको माइक्रोस्कोपिक कैमरा बना सकते हैं। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा कि इसको यहाँ से रिलीज करके इसको खोलना पड़ेगा। इस लेंस को खोल के अलग रख लीजिए और इस कैमरे को अलग रख लीजिए। अब क्या करना है कि ये जो माइक्रोस्कोपिक लेंस है, इसके लिए एक एक रिवर्स अडप्टर आता है, जो कि इसके फ्रंट इस तरफ लगता है, फ्रंट साइड इस तरफ, और इस तरफ वाले में नहीं लगता है। तो ये रिवर्स अडप्टर होता है, ये देखिए। इसको अपन ऐसा लगा देंगे, आराम से लगाएंगे, क्योंकि अगर आप जोर जबरदस्ती करेंगे तो ये डैमेज हो सकता है। ये बहुत ही कॉस्टली चीज़ें होती हैं, और आराम से, बिल्कुल आराम से लगाइए, बिल्कुल पूरा फिट हो जाती है, आप पूरा फिट हो। अब क्या करना है कि आपने जो लेंस है बिल्कुल जीरो पोजीशन पर रखना है इसको, और इसको अपने कैमरे में लगा देंगे, ये इजीली इसमें फिट हो जाएगा। देखिए बिल्कुल सरलता से, और ये हो गया फिट। अब मैं बताऊंगा आपको कि इसका माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफी में कितना अच्छा रिजोल्यूशन आता है। तो अब करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस टेबल पर राई के दाने डाले हुए हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा जिनको आप सिंपल कैमरे से देख भी नहीं सकते उनकी कितनी अच्छी फ़ोटो आती है और वीडियो आती है इस कैमरे से। ये देखो कैमरे में कितना साफ दिख रहा है, और ऐसे में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। ऐसे में तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक चींटी जा रही है, जिसको ज़्यादा रिजोल्यूट अपन नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं आप कैमरे से दिखाऊंगा ये चींटी आप कितनी बड़ी दिख सकती है, कहाँ गई, खो गई। ये देखिए कितनी साफ दिख रही है चींटी, ये दौड़ रही है, इसलिए मेरा कैमरा हिल रहा है, नहीं तो इसको आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। इतनी चींटी जैसी दिख रही है चींटी, इसका फोकस इसलिए बिगड़ रहा है क्योंकि ये कैमरा हिल रहा है, ये चींटी दौड़ रही है, जिसको आप नॉर्मल नज़रों से देख भी नहीं सकते कहाँ गई। सेम ट्रिक का इस्तेमाल आप अपने 18-55 mm लेंस के साथ भी कर सकते हैं, बस आपको उसी तरीके से इसको भी कनेक्ट करना है और इसको भी जीरो पोजीशन पर रखना है, बिल्कुल जीरो पोजीशन पर, आप देख रहे हैं ना, ऐसा इस पोजीशन पर रखना है, मतलब यहाँ पर जूम नहीं होने चाहिए किसी भी तरीके से। अब इसका इस्तेमाल भी आप माइक्रो फोटोग्राफी में कर सकते हैं। इस तरीके से आप किसी भी फ्लावर्स की मैग्निफिकेशन फोटोग्राफी कर सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया, कितना सुंदर दिख रहा है। आपका अगर शौक़ है माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफी का और आपके पास एक ही कैमरा है DSLR, तो आप उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफी करने के लिए। ये ट्रिक बहुत ही शानदार है, बस इसमें एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि जो लेंस है उसको उस पर अकेला लोड ना आने दें, उसको हमेशा हाथ में होल्ड करके रखें। ये देखिए ये सरसों के फूल की क्या बढ़िया तस्वीर आ रही है। ये माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफी का कमाल है, इस ट्रिक का कमाल है। ये धनिया की फोटो भी देख सकते हैं, ये धनिया की पत्ती है, कितनी अच्छे से रिजल्ट हो रही है। ये देखो मक्खी कितना दौड़ रही है, एक जगह बैठ के नहीं खा सकती, वीडियो बना लेते आराम से। कितना अच्छा रिजोल्यूशन आ रहा है, उसको पता भी नहीं है कि मैं उसको वीडियो बना रहा हूँ, इतना अच्छा रिजोल्यूशन आता है ये। अगर आपको इस आप इसको स्टैंड पर लगा के यूज करेंगे तो ये जो हिल रहा है ना ये नहीं आएगा, और स्टेबिलिटी आएगी,
इसके अलावा फोकस भी फिक्स रहेगा, जिससे आपको ये ब्लर इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप छोटे छोटे जीवों का भी वीडियो बना सकते हैं अपने नॉर्मल कैमरे से। ये कुछ कर रही है, आप देख सकते हैं क्या कर रही है। इतना ख़तरनाक मैग्नीफिकेशन नॉर्मल कैमरे से लाना बहुत ही मुश्किल है।